हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए डबल कलर सॉक्स लेकर आई हूँ। ये सॉक्स देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, बनाने में उतना ही आसान है। ये सॉक्स बनाना इतना आसान है कि बिगनर्स भी इजीली इसको बना सकती हैं। आपको सॉक्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए वेट चेक करते हैं। एक सॉक्स का वेट 26 ग्राम है, 26 ग्राम। ये सॉक्स 9 नंबर साइज़ के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिलाई कढ़ाई पेंटिंग बुनाई और क्रिएशी की वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर कोई डिज़ाइन है जो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ोटो फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 12 नंबर की निडल्स में 50 फंदे बनाए हैं। 11 नंबर की निडल से बुनेंगे। ये 6 रोज पैटर्न है। देखिए हम 6 सलाइयाँ बुनेंगे। ये रो 1 है, रो 1 सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। निट ऑल स्टिचेस। रो 1 राइट साइड सभी फंदों को सीधा बुना। अब हम रो 2 बुनेंगे। रो 2 रॉन्ग साइड सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। रो 2 रॉन्ग साइड निट ऑल स्टिचेस। रो 2 रॉन्ग साइड सभी फंदों को सीधा बुना। अब हम रो 3 राइट साइड बुनेंगे। रो 3 राइट साइड सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। निट ऑल स्टिचेस। रो 3 राइट साइड सभी फंदों को सीधा बुना। अब हम रो 4 रॉन्ग साइड बुनेंगे। रो 4 रॉन्ग साइड सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। रो 4 रॉन्ग साइड सभी फंदों को सीधा बुना। अब हम रो 5 राइट साइड बनाएंगे। रो 5 राइट साइड सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। निट ऑल स्टिचेस। रो 5 राइट साइड सभी फंदों को सीधा बुना। देखिए हमने 5 सीधी सिलाइयाँ बुनी हैं। अब ये रो 6 रॉन्ग साइड है। रो 6 रॉन्ग साइड सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। रोल ऑल स्टिचेस। सभी फंदे उल्टे बुनेंगे रो 6 रॉन्ग साइड। रो 6 रॉन्ग साइड सभी फंदों को उल्टा बुना। ये 6 रोज पैटर्न है। यही 6 सिलाइयाँ रिपीट करनी है। कंप्लीट 5 सिलाइयाँ हम सीधी बुनेंगे। रो 6 रॉन्ग साइड। रो 6 रॉन्ग साइड में सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। यही 6 सिलाइयाँ रिपीट करनी है। जब हम 6 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे तो पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। ये 6 सिलाइयाँ यहाँ तक हैं। यही 6 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे और 15 गाठी लाइन बनाएंगे। ये गाठी लाइन है और नेक्स्ट लाइन जो है वो फली की है, 2 गाठी लाइन के बीच में। तो ये 15 गाठी लाइन बनाई है। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 कंप्लीट 15 गाठी लाइन है। यही 6 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे और 15 गाठी लाइन बना लेंगे। 5 सीधी सिलाइयाँ बुननी हैं और 6 रो रॉन्ग साइड फंदों को उल्टा बुनना है। चलिए मेजरमेंट करते हैं। 7 इंचेस 18 18 सेंटीमीटर और लेंथ है 6.5 इंचेस 6.5 इंच 17 सेंटीमीटर। देखिए क्रीम ऊन से नोट लगाई है। अब हम क्रीम ऊन से बुनेंगे रोवन राइट साइड। सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। निट ऑल स्टिचेस। रो वन राइट साइड सभी फंदों को सीधा बुना। अब हम रो टू रॉन्ग साइड बुनेंगे। रो टू रॉन्ग साइड सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। रो टू रॉन्ग साइड सभी फंदों को सीधा बुना। देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बुनी हैं। 2 सीधी सिलाइयों में 1 गाठी लाइन बनी है। इसी तरह राइट साइड और रॉन्ग साइड दोनों साइड की रोज में फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 गाठी लाइन बन गई है। 9 गाठी लाइन और बनाएंगे। कंप्लीट ये 10 गाठी लाइन बन जाएगी। दोनों साइड की रोज में फंदों को सीधा बुनना है और गाठी लाइन बनानी है। राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों ही साइड की रोज में फंदों को सीधा बुना। 10 गाठी लाइन बना ली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 कंप्लीट 10 गाठी लाइन है। अब हम फंदों को घटाएंगे। देखें सीधे में 2 का 1 बुनेंगे। ये राइट साइड रो है। सीधे में 2 का 1 बुना, एक फंदा कट गया। फिर से सीधे में 2 का 1 बुनेंगे। सीधे में 2 का 1 बुना, एक फंदा घट गया। सीधे में 2 का 1 बुना, एक फंदा घटा। 2 फंदा घट गए हैं। देखिए रिपीट करेंगे। सीधे में 2 का 1 बुनेंगे, फिर एक फंदा घट गया। इसी तरह रिपीट करेंगे और कंप्लीट रो बनाएंगे। सीधे में 2 का 1 बुनना है। रो वन राइट साइड सभी फंदों को हमने इसी तरह बुना है। सीधे में 2 का 1 बुना। सीधे में 2 का 1 बुना, एक फंदा घटा। सभी फंदों को इसी तरह बुना। निडिल में अब 25 फंदे हैं। आधे फंदे घट गए हैं। अब हम रो टू रॉन्ग साइड बुनेंगे। रो टू रॉन्ग साइड सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। रो टू रॉन्ग साइड सभी फंदों को सीधा बुना। अब हम रो थर्ड राइट साइड बुनेंगे। रो थर्ड राइट साइड सीधे में 2 का 1 बुनेंगे। एक फंदा घटा, फिर से सीधे में 2 का 1 बुनेंगे। देखिए एक फंदा घटा। इसी तरह सीधे में 2 का 1 बुनेंगे और कंप्लीट रो करेंगे। आधे फंदे घट जाएंगे सीधे में 2 का 1 बुनने पर। ये 25 फंदे हैं। रो थर्ड राइट साइड सीधे में 2 का 1 बुना। सभी फंदे इसी तरह बुने हैं। सीधे में 2 का 1, लास्ट में ये एक फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे। अब हम रो फोर्थ रॉन्ग साइड बनाएंगे। रो फोर्थ रॉन्ग साइड सभी फंदों को सीधा बुनेंगे।
रो फोर्थ, रोंग साइड सभी फंदों को सीधा बुना। देखिए नीडल में 13 फंदे हैं, 13 स्टिचेस। अब इन 13 फंदों को बंद करेंगे, बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस। सीधे में दो का एक बुनेंगे, फंदे को लेफ्ट हैंड की नीडल पर स्लिप करेंगे और सीधे में दो का एक बुनेंगे। सीधे में दो का एक बुनेंगे, फंदे को फिर लेफ्ट हैंड की नीडल पर स्लिप करेंगे, सीधे में दो का एक बुनेंगे। इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे और सभी फंदे बंद करेंगे। लास्ट फंदा बड़ा करेंगे, धागा खींचेंगे। पीस बनकर तैयार है, इसको फोल्ड करेंगे। देखिए गाठी लाइन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से इधर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, धागा लगाएंगे, टर्न करेंगे, गाठी लाइन में धागा लेंगे। फली को फली से मिलाएंगे और गाठी लाइन को गाठी लाइन से। देखिए गाठी लाइन है, इस तरह से धागा लेंगे दोनों साइड गाठी लाइन में ही। कोई गाठी लाइन मिस नहीं करनी है, स्किप नहीं करनी है, सभी में थ्रेड लेना है, गाठी लाइन को गाठी लाइन से मिलाना है। यहाँ तक इसी तरह से लेंगे, नोट लगाएंगे, फंदा बनाएंगे इस तरह से, वाइट थ्रेड से सिलेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये साइड सिलेंगे,
सिलने के बाद इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर बो लगाएंगे। अगर आपसे बो बनाना नहीं आता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उस वीडियो में बो बनाया है। अब अटैच करेंगे इसको, 1 2, दो गाठी लाइन इधर दिख रही है, दो गाठी लाइन इधर। डबल धागे से लगाएंगे, सॉक्स बनकर तैयार है। आई होप आपको सॉक्स बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।